बच्चों आज हम अदिश गुणन की कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे। तो अदिश गुणन के गुण पहली प्रॉपर्टी है कि अदिश गुणन क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय के नियम का पालन अर्थात यदि ए और बी दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर देना चाहें तो दे सकते हैं कि ए डॉट बी स्पष्टीकरण वेक्टर ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा और बी डॉट ए बराबर भी हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा। चूंकि ये सब अदिश राशियां हैं तो इसको हम किधर भी किसी क्रम में लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है? ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। दूसरा है साहचर्य का नियम, वितरण का नियम, सॉरी कहेंगे वितरण का नियम। ए वेक्टर ए डॉट अगर ए बी यदि ए बी सी तीन शून्येतर सदिश है, ए बी सी शून्येतर सदिश है तो ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है तीसरी कि यदि लैम्डा कोई अदिश राशि है और ए व बी शून्येतर सदिश हैं तो लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी सॉरी लैम्डा इंटू ए डॉट बी या इसको ये भी लिख सकते हैं ए डॉट लैम्डा वेक्टर बी, तीनों सही। अब यदि वेक्टर ए बराबर मान लो ये दिया हो ए वन सॉरी वेक्टर ए बराबर ए वन आई ए टू जे प्लस ए थ्री के और वेक्टर बी बराबर बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के तब ए डॉट बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए ए डॉट बी बराबर यहाँ पे ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के डॉट बी वन आई बी टू जे बी थ्री के। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो ए वन पहले पूरे में करेंगे अभी जो नियम ऊपर बताया उसके अकॉर्डिंग, तो ए वन बी वन अधिशासियों को गुणा कर लेंगे आई डॉट आई प्लस ए वन बी टू आई डॉट जे प्लस ए वन बी थ्री आई डॉट के प्लस इसी तरह से ए टू का करेंगे तो ए टू बी वन आई डॉट जे डॉट आई प्लस ए टू बी टू जे डॉट जे प्लस ए टू बी थ्री जे डॉट के प्लस ए थ्री का आप करेंगे पूरे में ए थ्री बी वन के डॉट आई प्लस ए थ्री बी टू
के डॉट जे प्लस ए थ्री वी थ्री के डॉट के। अब चूंकि हम जानते हैं कि आई डॉट आई की वैल्यू बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर वन होता है और आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई बराबर जीरो, क्योंकि इनके बीच का कोण 90 होता है। तो आई डॉट जे, जैसे एक एग्जांपल आई डॉट जे बराबर मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे, और आई और जे के बीच का कोण 90 है तो कॉस 90, तो 1 × 1 × 0 बराबर जीरो। और आई डॉट आई का वैल्यू आई डॉट आई बराबर होगा मॉड ऑफ आई इंटू कॉस जीरो, क्योंकि आई और आई के बीच का कोण जीरो, तो 1 × 1 × 1 बराबर 1। इसी तरह से जे डॉट जे भी 1 होगा, के डॉट के भी 1 होगा और ये बाकी सब 0 होंगे। सबकी वैल्यूज जब यहाँ पुट करेंगे, ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए वन बी वन, आई डॉट आई 1 हो गया इंटू 1, बाकी यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ जे डॉट आई या आई डॉट जे 0 प्लस 0, जे डॉट जे 1 यानी ए टू वी टू, और जे डॉट के यहाँ पर भी 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के ए थ्री वी थ्री। ये वैल्यू क्या आ गई, ए डॉट बी की वैल्यू आ गई ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। ये आपका रिजल्ट आ गया। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ए डॉट बी जब भी निकालते हैं तो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट जे का जे के साथ के का के साथ, यानी ए वन बी वन ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री के बराबर होता है। इस तरह से हम किसी भी दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षेप, किसी सदिश का प्रक्षेप, सदिश लाइन का प्रक्षेप, सदिश रेखा का प्रक्षेप। यदि ये कोई लाइन है और ये वेक्टर है एन, और ये जो है कोई सदिश है वेक्टर ए, मान लें ए बी वेक्टर, तो इसका प्रक्षेप जो होगा, ये देखिए ये जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू ये प्रक्षेप होगा, ये इसका इसके इस लाइन की डायरेक्शन में इसका प्रक्षेप ए से सी तक, ए सी ये इसका प्रक्षेप है। ये कोण थीटा, थीटा यहाँ पर है न्यून कोण, किसके किसके बीच में, 0 से 90 के बीच में। यदि हमारा थीटा जो है ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा मीन्स कि इसी लाइन के पर प्रक्षेप निकालना है, अधिक कोण हो तो प्रक्षेप क्या होगा, तो प्रक्षेप चूँकि थीटा, तो ये आपका ये पाई माइनस थीटा, यहाँ से ये हो जाएगा, अगर ये थीटा हो जाए तो इसका प्रक्षेप जो है ये आएगा ए और ये सी इस डायरेक्शन में। यहाँ पे थीटा जो है आपका 90 से 120 के बीच में है, 90 से 180 के बीच में है, ये प्रक्षेप होगा। और यदि हमारा वृहत कोण हो इस तरह से, और रेखा ये है एन और ये वेक्टर है ए, तो इसका जो प्रक्षेप, इसका भी प्रक्षेप यहाँ से ये देखिए यही आएगा, और ये कोण ये होगा, ये कोण आपका थीटा कहाँ से कहाँ है, 180 और 270 के बीच प्रक्षेप आपका ये है। और अगर कोण आपका इस तरह से 270 से ज़्यादा है, ये है ये वेक्टर ए है, तो इसका प्रक्षेप ये आएगा, ये प्रक्षेप ए सी इस डायरेक्शन में, और ये वैल्यू आएगी। इसमें प्रक्षेप में डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन ये दूरी ये प्रक्षेप होगा, यहाँ ये प्रक्षेप, प्रक्षेप यानी हर केस में जो प्रक्षेप है वो ए सी है, ए सी यहाँ से ये इस डायरेक्शन, ये यहाँ से यहाँ तक ये दूरी प्रक्षेप, यहाँ ये प्रक्षेप, यहाँ ये प्रक्षेप, ये ए हो गया,
ये सी हो गया, ए और सी, ये प्रक्षेप होता है। प्रक्षेप को ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, तो ए जैसे ये आपका है, ये कोई लाइन है इस वेक्टर ए, ए ये मान लो ये वेक्टर बी है या वेक्टर ए है मान लो सपोज दैट, और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में प्रक्षेप निकालना है। तो यहाँ से ये देखिए इसका जो क्षैतिज घटक है ये ए सी बी, इसको एम कह दें, तो इसके बीच का कोण अगर थीटा है तो इसका क्षैतिज घटक ए एम, ए एम बराबर ए बी कॉस थीटा, यानी यहाँ ए एम क्षैतिज घटक ए एम बराबर ए बी कॉस थीटा, यही प्रक्षेप है। या इसको ए बी को क्या कह सकते हैं, ए बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो सूत्र में कैसे निकालेंगे इसको, ए बी कॉस बी कॉस, ए की दिशा में वेक्टर, सॉरी बी की दिशा में नहीं, ए की दिशा में, हाँ ए की दिशा में वेक्टर बी का प्रक्षेप बराबर ये होता है मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, तो मॉड ऑफ बी कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, या इसको यूनिट वेक्टर, वेक्टर यूनिट वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। ये सूत्र हो गया किसका, ए की दिशा में बी का प्रक्षेप, ये प्रक्षेप आ गया वेक्टर ए की दिशा में बी का प्रक्षेप। चलो ओके, अब आज थ्योरी खत्म हो गई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट की, और अब एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।